भाई मैं हिमांशु यादव, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो भाई आज हम लेके आ गए आपके लिए फिर से एक नई वीडियो ब्रीज़ा की। तो भाई आगे से देख के बता दो जरा कौन सी है, अगर बता सकते हो कौन सा मॉडल है। तो भाई ये है बेस मॉडल जो टॉप कन्वर्टेड है भाई, बड़ा अच्छा लुक है भाई इसका। आफ्टर मार्केट इसमें इतने बड़े बड़े जो एलॉय लगे हुए हैं ना, वो बड़ा अच्छा लुक देते हैं। एक बार आप पहले गाड़ी का वॉक अराउंड देख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो पीछे अगर हम आएँ तो पीछे देख लो ऐसा कुछ आ जाता है, इस साइड की बात करें। अब चलते हैं भाई फ्रंट में इसके। तो फ्रंट में भाई इसमें मिल जाती है एक थोड़ी यूनिक सी ग्रिल, जो पूरी यहाँ से ये क्रोम की है, ऊपर भी नीचे भी क्रोम आ जाता है। बीच में आपको मारुति का लोगो दिख जाता है, मारुति के लोगों के नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट, और यहाँ पे एक और ग्रिल है। अंदर आपको पूरा इंजन का वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये है इसके आफ्टर मार्केट LED प्रोजेक्टर। नीचे आपको यहाँ पे LED मिलेगी एक और, जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, वो अभी हम चेक नहीं करा सकते, वैसे एक बार जला के दिखा दूँगा। तो एक बार गाड़ी की साइड प्रोफाइल में आएँ अगर, तो इसके टायर्स जो इसको अट्रैक्टिव लुक देते हैं, 18 इंच के टायर हैं भाई, 245/45R18 इमोशन आर के टायर हैं। ये देख लो, फोकस करें, ये थोड़े अंदर से ना ऐसे ड्रम किसी टाइप के हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। यहाँ आप देख लो गाड़ी जेड हो रही है, बिल्कुल जेड ब्लैक है, देखो लुक बढ़ा देती है, पर ये रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे आपको इसके साइड मिरर्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा। बेस मॉडल है, यहाँ पे फेंडर पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है, पार्किंग रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं है। ऐसी कुछ कार की आ जाती है, जो ये आफ्टर मार्केट इस पे ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, फ्लिप की नहीं है, नॉर्मल है। ऐसा कुछ आपको ये मिरर्स दिख जाते हैं ऊपर की तरफ, आपको क्रोम वगैरह यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, क्रोम वगैरह का कोई वो नहीं है इसमें ज़्यादा यूज़। और ये भाई जितेश भाई की गाड़ी है, जिनका चैनल है JJ ऑटोमोबाइल्स व्लॉग, ये रहा उनके शॉप का नाम, मॉन्स्टर कस्टम्स एंड डिटेलर्स। तो थोड़ा पीछे आए अगर, तो पीछे की तरफ आप देख लो ब्रीज़ा का लोगो दिख जाएगा, मतलब नाम दिख जाएगा आपको लिखा हुआ यहाँ पे, विटारा ब्रीज़ा। पीछे से भी जेड है, यहाँ पे देख लो ब्लैक ब्लैक हो रही है पूरी ये, और यहाँ मारुति का ये लोगो, यहाँ हाई स्टॉप लैम्प, ऊपर यहाँ पे स्पॉइलर है पर वो वाइट ही है, ब्लैक वगैरह कोई नहीं है। नीचे आपको ये अलग सी लाइट्स दिखेंगी थोड़ी, ये वो है मतलब मैट्रिक्स वाली, इंडिकेटर पे भी ये जलती हैं और ब्रेक्स पे भी नॉर्मल भी जलती हैं, नॉर्मल जलेंगी तो डार्क हो जाएंगी। एक बार थोड़ी पीछे से देखो आप कार ज़रा, भाई बहुत सही लग रही है, बहुत ज़्यादा सही। एक बार इसका बूट ओपन करके दिखाएं अगर, तो देखो ये इसकी बूट में सामान जो है, ये स्पीकर की ब्रांड नहीं पता मेरे को कौन सी है, बूफर सॉरी। यहाँ पे एम्प वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो रखे हैं, देखो थोड़ा हटा के दिखाएं। तो पीछे सामान वगैरह ज़्यादा नहीं रख सकते, हल्का फुल्का रख सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दे रखा है पकड़ने के लिए, इसको कर देते हैं बंद। अब लेके चलते हैं एक बार गाड़ी की रेयर सीट्स पे। तो भाई ऐसा आपको कुछ पीछे से डोर मिल जाता है, जो अपना बेसिक है। पावर विंडो कार में आ जाती हैं चारों, यहाँ पे ट्विटर की वो दिख जाएगी बैजिंग, यहाँ पे फिर से आपको विंडोज़, यहाँ पे डोर ओपनर, ये लॉक अनलॉक, बॉटल स्टोरेज। नीचे आपको वहाँ पे स्पीकर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाएंगी जो नॉर्मल फैब्रिक हैं, इस पर सीट्स कवर होगा। इसका स्टेयरिंग बड़ा यूनिक है, देखो रैप कर रखा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई पीछे मतलब स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, कार में अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल देख लो, यहाँ पे स्टोरेज है टांगने वगैरह के लिए कुछ। और ये रही आपको यहाँ पे इसका मतलब वो मिल जाएगा आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ, सेम पीछे बोतल स्टोरेज वगैरह सब कुछ है, पर यहाँ पे कोई भी आपको पीछे सॉकेट नहीं मिलेगा चार्जिंग का। तो भाई पीछे कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, पार्सल ट्रे कार में नहीं है अभी, तो यहाँ पे देख लो एक बार पीछे ये सब स्पीकर वगैरह, डिग्गी का यहाँ से आप करा सकते हो सब कुछ। अब चलते हैं इसके फ्रंट में। तो भाई ये एक बार गाड़ी के फ्रंट में जाने से पहले एक बार इंजन देख लो इसका ज़रा, जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी आपकी स्क्रीन पे लिखी आ रही हैं। यहाँ पेट्रोल इंजन है तो वैसे ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कवर सा जो रहता है ये देख लो पेट्रोल इंजन, CNG वगैरह इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अपना पिकअप वगैरह के मामले में अच्छा है सब, अभी ड्राइव क्वालिटी की बात करेंगे इसकी। अब चलते हैं इसकी फ्रंट सीट्स पे। तो भाई आ गए हम ब्रीज़ा के इंटीरियर में। एक पहले तो इसका स्टीयरिंग देखो,
बहुत यूनिक सा है, यहाँ देख लो वाइट ब्लैक बड़ा अच्छा लुक दे रहा है। ये बेस मॉडल है तो इसमें ऐसी नॉर्मल की लगती है अपनी, कोई भी फ्लिप की वगैरह या पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वो सब नहीं आता। मिरर के कंट्रोल आपको यहाँ दिख जाएंगे सारे, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो उन्हें, एडजस्ट वगैरह सब कर सकते हो इधर उधर। यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल दिख जाएंगे, अप डाउन लाइट्स, यहाँ एसी वेंट्स दिख जाएंगे, और इधर ये आपको यहाँ पे ट्विटर वगैरह की मार्किंग दिख जाएगी। यहाँ पे दिख जाएगा आपको इसका ओबीडी मीटर, ये आफ्टर मार्केट है, ये भैया के खुद की मतलब शॉप है तो उनने वहीं से कराया है। बहुत अच्छा लुक है इसका, रात के टाइम अच्छी लुक देता है लाइट्स वगैरह इसकी। तो कार का हॉर्न अगर, तो अंदर आवाज़ बहुत कम आती है, आफ्टर मार्केट हॉर्न है भी, पेट्रोल है तो 8,000 तक मार्किंग है। थोड़ा रेव करके दिखाएं, न्यूट्रल में 5,000 तक जाएगी, और अगर गियर में करें तो भी 5 तक ही जाएगी। स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे शाइनी सा पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, बीच में आपको मारुति का लोगो, हॉर्न आप इधर इधर कहीं से भी बजा सकते हो। यहाँ पे कोई भी, इस साइड आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेंगे, इस साइड है म्यूट मोड, वॉल्यूम अप डाउन और ट्रैक चेंज का। नीचे की तरफ आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे, ऐसी कुछ आपको इसकी MID मिल जाएगी, जो अगर हम चेंज करें तो सब कुछ चेंज वगैरह हो जाता है, किलोमीटर एवरेज रेंज जितनी है वो दिखा देगी। रेंज पे कर देते हैं, इस साइड से आप इसकी ट्रिप वगैरह रिसेट कर सकते हो, तो इसको इस पे रहने देते हैं। यहाँ पे मिल जाएंगे इसके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल सारे, जो मिस्ट ऑफ, लो वगैरह हाई सब कुछ, पुल्स, रियर वाइपर नहीं है, डिफॉगर भी नहीं है, और यहाँ पे मिल जाएंगे इसके लाइट से कंट्रोल, लाइट इसकी बड़ी अच्छी है। चलो एक बार बाहर दिखाता हूँ, लाइट अभी ऑन है कार की, तो ये देखो बहुत अच्छी लाइट है भाई इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी, तो काफ़ी अच्छा लुक देती है। चलो फिर से चलते हैं गाड़ी के अंदर, आफ्टर मार्केट है इसमें, LED वगैरह का नाम नहीं पता मेरे को कौन कौन सी डली हुई है। तो इसमें कार में एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाएगी आपको, वो जो फ्लोर वगैरह पे होती है। यहाँ आपको इसके बीच के AC वेंट्स दिख जाएंगे, ये रहा डबल इंडिकेटर वाला, यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम चेक वगैरह का, ये आफ्टर मार्केट है पायोनियर का, ज़्यादातर सब यही लगवाते हैं जिनको हाई एंड म्यूजिक का शौक रहता है। नीचे की तरफ आए थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको AC से कंट्रोल मिल जाएंगे, मैनुअल है सारा AC, यहाँ ऑन ऑफ AC, और नीचे की तरफ आपको चार्जिंग सॉकेट, ब्लूटूथ वगैरह मतलब ऑक्स वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाएगी आपको, कुछ रख सकते हो यहाँ पे। पीछे की तरफ थोड़ा सा, तो इसका मैनुअल गियर बॉक्स है, 5-5 तक की इसमें गियर है, और एक रिवर्स। यहाँ पे है इसका हैंड ब्रेक, और ये रहा इसका आर्म रेस्ट जिसमें सामान भी रख सकते हैं, आगे पीछे वाला भी है, आगे भी हो जाता है पीछे भी हो जाता है, तो इसे यहाँ करते हैं। ये रही इसकी ऐसी कुछ साइड की सीट्स, और डोर आप देखो तो यहाँ पे अपना क्रोम वाला है, और डोर ओपनर नॉर्मल है, कोई भी वैसे नहीं है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो पूरा मतलब अंदर तक है, भरा हुआ है बिल्कुल, सामान काफ़ी आ जाता है इसमें, इसमें यहाँ पे कोई नहीं है। इसका अगर आप डैशबोर्ड कहो तो ये ट्रिपल टोन लगेगा आपको, यहाँ अलग से फिनिश, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो ये सिल्वर फिनिश आ गई, यहाँ भी सिल्वर फिनिश। इस साइड के डोर पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पावर विंडो अप डाउन के, और इसके लॉक अनलॉक सारा कुछ। अब इसकी थोड़ी सी ड्राइव की बात करते हैं, जो इसका ये इंजन है, जो मतलब इंजन है और इसके जो टायर हैं 18 इंच के, वो कैसा लुक देते हैं चलने में, क्या मतलब ड्राइव क्वालिटी फील होती है। तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली चलती है अपनी कार, व्यू भी अच्छा खासा आ जाता है पीछे का मिरर्स में, देख लो। हॉर्न इसका आफ्टर मार्केट है तो काफ़ी मतलब तेज है, सीट बेल्ट की वार्निंग आपको मिल जाएगी अगर नहीं लगाओगे तो। चलें थोड़ा सा सेकंड गियर पे, अब थोड़े से इसको रेव करते हैं मतलब एक्सलेट करते हैं। तो भाई भागती है, ब्रेक देखो, ब्रेक भी लग जाते हैं इसके आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टर्न रेडियस थोड़ा सा कम हो जाता है एलो इतने बड़े लगवाने के बाद, मोड़ते हैं कार को फिर से चलते हैं उधर। तो भाई पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन से ज़्यादा एवरेज की वो तो रखनी नहीं चाहिए कि एवरेज देगा, पर ये दे देगा आराम से अगर इसको अच्छी तरह चलाओगे। कम भी हो जाएगी क्योंकि थोड़ी एलोय इसके जो लगे हैं वो 18 इंच वाले, वो बहुत बड़े हैं। OBD मीटर अभी सेट नहीं है, वो मेरे को करना आ नहीं रहा, यहीं से हो जाता है वो, बाद में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। टॉर्क की बात करें तो देखो टॉर्क भी अच्छा खासा है, सेकंड गियर तक चल रही है कार आराम से, मे भी थर्ड तक भी शायद चल जाए।
ऐसा था भाई, ये कुछ छोटा सा ड्राइव जो इसकी हमने ली छोटी सी, एसी वगैरह कार का अच्छा है, कार बिल्कुल लोड नहीं लेती जैसे चल रही है कि मतलब वो हो रहा हो कोई दबाव हो एसी में। एसी में भी ये सेकंड गियर पे चल रही है बगैर रेस दिए। ज़्यादा अभी ड्राइव तो दिखाई नहीं, कभी लंबी ड्राइव ही दिखाएंगे इसकी टॉप स्पीड वगैरह सब कुछ। इसको लेते हैं एक बार, देखो यू टर्न देखना इसका कितने में ले लेगी ये भाई। ले लेगी अच्छा खासा है टर्न, अभी भी कोई ऐसी वो नहीं है। तो भाई यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।